Students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson cell structures and functions. Right? Yesterday I had discussed about the discovery of cell, right? And the cell theory proposed by two German biologists. Right? So today I am going to discuss about the instruments for studying cells. इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो सेल को स्टडी करने में मदद करते हैं, है ना? तो देखिए, इसमें सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज। सेल जो होता है इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि उसको देखना संभव नहीं है, मतलब आंखों से, खुली हुई आंखों से, है ना? तो इसको देखने के लिए खास इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, है ना, जो हमको सक्षम बनाता है हमारी आंखों को, हम उसको देख सकें, है ना? तो वो क्या है? माइक्रोस्कोप, है ना? टुडे वी नो ए लॉट ऑफ अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। आज के डेट में सेल के बारे में बहुत कुछ, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप है ना? उसमें भी हाई मैग्निफिकेशन, जिसका मैग्निफिकेशन मतलब किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाने की क्षमता बहुत है, खासकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कॉमनली यूज्ड है। कंपाउंड कहने का मतलब निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉमनली यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी, साइंस के लेबोरेटरीज में, वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर इसका यूज होता है, टू ऑब्जर्व टाइनी, बहुत छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। इट यूजेस ग्लास लेंसेज एंड विजिबल लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन। तो ग्लास के लेंसेज इसमें लगे होते हैं और विजिबल लाइट रहते हैं, जिसके कारण से वो उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेंजेस फ्रॉम 100 to 1500 टाइम्स। और मतलब इसका जो मैग्नीफाइंग जो पावर होता है किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है, वो आपको 100 से 1500 गुना किसी भी चीज को बड़ा करके दिखा सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस पावर का माइक्रोस्कोप खरीदा है, है ना? कोई 100 गुना बढ़ा के दिखा सकता है, कोई 200, कोई 800, मतलब 1500 गुना तक वो किसी भी छोटे से चीज को बढ़ा करके दिखा सकता है। एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इज अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट, ये काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, दैट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल को तो हम देख पाते थे, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है उसको भी देख पाते थे, लेकिन उससे ज्यादा हम व्यू नहीं कर पाते थे। तो सेल के अंदर हम तभी झांक पाए या और जो उसके जो पार्ट्स है उसको जान पाए जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, ठीक है। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज, ये ग्लास के लेंस के जगह वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है, और एंड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन, लाइट के जगह इलेक्ट्रॉन्स के बीम का यूज करता है। द हाईली मैग्नीफाइड रेंज इज ऑब्टेन्ड ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। जो हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो होता है वो उसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म पर उसको ऑब्टेन किया जाता है। इसका मैग्नीफिकेशन जो पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो है 1,00,000 से 5,00,000 गुना। समझ जाइए, एक छोटे से चीज को जो हमको दिखाई नहीं देता है, जब उसको 1,00,000 से 5,00,000 गुना बड़ा करके दिखाया जाता है, तो समझ सकते हैं आप कि हम उस किसी भी चीज के अंदर जागने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। तो यही है फोटो आपने देखा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं इसके, आईपीस है, कोरस इंस्ट्रूमेंट नॉब है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, मतलब उसको एडजस्ट भी किया जाता है ऊपर नीचे ले जाकर लेंस को, आर्म है, क्लिप है, बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास होता है, एक आंख के पास होता है। आईपीस में भी लेंस होता है जो आंख का के पास का लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है। स्लाइड है जिसके ऊपर हम जिसको ऑब्जर्व करना है उसको रखते हैं। कंडेंसर है, डायफ्राम है, रिफ्लेक्टिव है और फुट है, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, देख रहे हैं आप, कंट्रोल पैनल है यहाँ पर, वहाँ पर इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन के बीम को छोड़ता है। स्पेसमैन कॉम्पोजिशन, मतलब जहाँ पर जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना है उसको रखते हैं, और बायनोकुलर व्यूअर है जहाँ से हमको उसके बारे में पता चलता है, देख पाते हैं, ठीक है। अब स्टेनिंग देखिए क्या होता है। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट, सेल जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब
एंड कलरलेस ट्रांसपेरेंट, आप समझ रहे हैं, जिससे ओके लाइट आसानी से आ जा सकता है और वो कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। से दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसलिए एक माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना काफी कठिन काम होता है। तो टू ऑब्जर्व द डिटेल्स जानने के लिए डिटेल्स ऑफ द सेल एंड इट इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को जानने के लिए उसको क्या करते हैं, स्टेन किया जाता है, डाइज का यूज किया जाता है, आर यूज। तो सम कॉमन स्टेन्स आर, जो कुछ कॉमन स्टेन्स यूज किए जाते हैं, सेफ्रानिन, इओसिन, मिथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट, ये सब स्टेन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं एक या एक से ज्यादा सेल के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, जो सिर्फ सिंगल सेल के, एक ही सेल के बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लीना है, बैक्टीरिया है, एस्ट है, ये सभी एक ही सेल के बने होते हैं। सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है इनका एक ही सेल के द्वारा संपादित होता है, किया जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिंगल सेल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स बिटवीन लाइफ ऑल द बेसिक फंक्शन, जो आपको अभी बताया, डाइजेशन और रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है सब एक ही सेल के अंदर होता है। जैसे अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन लाइक टेकिंग फूड, इंजेशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सारा काम जो होता है एक ही सेल करता है। ठीक है, और दूसरे तरफ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स भी हैं जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स है ना, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी सी, अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, चाहे वो ट्रीज हो, ग्रासेस हो, इंसेक्ट्स हो, काउज हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, है ना, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगेन देयर लाइफ एज ए सेल, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सबका लाइफ जो है, लाइफ एक ही सेल से शुरू होता है। ठीक है, याद देखिए, सबका लाइफ एक ही सेल से शुरू होता है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो सिंगल सेल को हम लोग फर्टिलाइज्ड एग सेल कहते हैं और जायगोट कहते हैं, और यही फर्टिलाइज्ड एग जो है मल्टीप्लाइज करता है अपने नंबर को, मतलब सेल डिवीजन के द्वारा अपने नंबर्स को बढ़ाता है, इंक्रीज एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोसेस, जैसे जैसे उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और तभी होता है जब सेल डिवाइड होते हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती हैं। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स शो डिवीजन ऑफ लेबर, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हर काम, ऐसा नहीं कि एक ही सेल जो है सब काम करता है। तो यहाँ पर इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन को करते हैं, जैसे मेरा हाथ का काम कुछ और है, आंख का कुछ काम और है, नाक का कुछ और है ना, सब अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है सबका काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी हैज स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, हार्ट टू पंप ब्लड, बोन्स एंड मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड सो ऑन, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब लेबर डिवीजन इसी को कहते हैं कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।